नमस्कार हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इस समय जब से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास एकदम समय नहीं रहता है कि मैं वीडियो बना पाऊँ और आपको अपनी चीज़ें शेयर कर पाऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ इस समय। तो आज मैंने सोचा क्यों ना फ़ोन उठा के आज मैं वीडियो बनाती ही हूँ, देखते हैं क्या क्या निकलता है कंटेंट में। फिलहाल आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोग ने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है कि मैंने किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको जरूर जाके देखिए। वैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिकल शॉप खोली हुई है, मैंने और अर्जुन ने मिल के, तो यहीं प्रयागराज में ही। तो आप लोग अगर आप प्रयागराज के रहने वाले हैं तो आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पर। तो आगे से कोशिश यही करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो बनाएं। वैसे एकदम मतलब कहीं निकल ही नहीं पाते, ना ही कुछ ऐसा है कि मैं आप लोगों को बोल बोल चीज़ें दिखाऊं कि बस यही शॉप पे बैठे हैं और यहाँ पैसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो क्या ही रोज़ आपको दिखाएंगे। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही हूँ, पर हाँ कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ और अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। तो फिलहाल आज जो होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो चलिए बने रहिए आप वीडियो में और देखिए जो होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अब इस समय हम लोग जा रहे हैं घर अपनी शॉप बंद करके, लगभग 9 बजे। हाय गाइस, तो आज मैंने उठा लिया है कैमरा फिर से और कोशिश कर रही हूँ कुछ कंटेंट निकालने की, जो भी वीडियो बने मेरा, क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ा सा बनाया और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो बस उस दिन थोड़ी सी क्लिप बनाई और फिर आज मैंने उठा लिया है कैमरा कि देखते हैं क्या निकलता है कंटेंट। तो आज का शेड्यूल ये है कि अभी हम लोग को जाना है कुछ शॉप के लिए ऑर्डर देने, क्योंकि कुछ मटेरियल चाहिए है, सामान चाहिए है शॉप के लिए, क्योंकि जैसे सामान निकलता है तो फिर उसी हिसाब से फिर ऑर्डर भी देना पड़ता है कि आपकी सामान खाली नहीं लगे और सामान सारी चीज़ें अवेलेबल रहें आपके पास में। तो बस उसका ऑर्डर देने जाना है और शाम को जाना है हमको एक रिसेप्शन में, तो बस वहाँ हम अज्जू और कजिन्स लोग जाएंगे। तो बस बने रहिए आप वीडियो में और देखिए कि हम लोगों ने क्या क्या किया और जो भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे आप लोग बताइएगा आप लोग क्या गर्मी कैसी पड़ रही है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पर ठीक है, बढ़िया है। अज्जू लेके आए हैं सकौड़ा खाने के लिए। ओ हो, कैसा है देखो, अभी इसको निकालना पड़ेगा सही से। बस सकौड़ा खाते हैं गरम गरम। चलो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। हाँ अच्छा, एकदम हॉट सकौड़ा, और ये है मिट्टी का कुल्हड़, ये सिर्फ अज्जू को ही आता है निकालना। मजेदार, आराम से, बहुत अच्छा। दुकान में बैठे बैठे हालत हो गई है ये, और अभी हम लोगों को जाके रेडी भी होना है, जाना है रिसेप्शन में, और हालत हो गई है खराब दिन भर में। तुम थकावट, क्या हाल है तुम्हारा? मेरा हाल बहुत बढ़िया है। चलना है ना फिर? एकदम रेडी हो? यहीं से चले फिर? तैयार नहीं हो ना फिर? तैयार तो हूँ, करता लिपस्टिक लगा। नहीं, लिपस्टिक तो हम लोग लगाते हैं, तुम कहाँ लगाओगे? हैं, इधर भी देख लो एक बार। लड़के लोग हमेशा रेडी रहते हैं। अच्छा, लड़कियों को समय लगता है तैयार होने में, पर मुझे नहीं लगता तैयार होने में, सही बता दो। लड़के लोगों का लुक टफ होता है, टफ लुक। अच्छा, वो बोस्टन चल देते हैं। बोरो प्लस लगाएंगे। पर लड़कियों को समय लगता है तैयार होने में, पर मुझे नहीं लगता है, मैं बहुत जल्दी तैयार होती हूँ। बस हम लोग शॉप से पहुंच के घर जल्दी से रेडी हुए और निकल गए हैं रिसेप्शन के लिए। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट रिसेप्शन में आपसे। What happened to the last 10?
हम लोग पहुंच गए हैं रिसेप्शन में और हालत इतना जल्दी हम लोग तैयार हुए हैं फटाफट। अब हम लोगों ने खूब एंजॉय किया है और अज्जू भैया और ब्राइड से भी आइए ब्राइड। हाय, ये हमारी रानी मैडम है और देखिए मेरा पूरा मेकअप खराब हो चुका है। बहुत अच्छी आग लग रही है मगर बहुत ज्यादा पोता गया इसलिए खूब ज्यादा गोले लग रहे हैं। बहुत ज्यादा मेकअप किया गया। हम कौन है गाइस, आज की वीडियो यहीं तक और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।